तो दोस्तों पोरसपुर के सीजन 2 को आए हुए काफी टाइम हो चुका है और पोरसपुर के सीजन 3 की काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज रही थी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पोरसपुर के सीजन 3 से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स निकल कर आई हैं। तो दोस्तों क्या है वो अपडेट्स और हमें पोरसपुर का सीजन 3 कब देखने को मिलने वाला है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पोरसपुर के सीजन 1 से पोरसपुर के सीजन 2 की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट रही थी। वही दोस्तों पोरसपुर के सीजन 2 को ऑडियंस का काफी मिला जुला रिस्पांस मिला था, लेकिन आप में से काफी सारे यूवर्स इसके सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों सीजन 3 के अपडेट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल में ऑफिशियली मेकर्स ने तो इसकी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन दोस्तों सोर्सेज से पता चला है कि मेकर्स अब जल्द ही सीजन 3 की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि सीजन 2 में सीजन 3 के लिए कई सारे प्लॉट्स छोड़े गए थे जिसकी बाकी की स्टोरी सीजन 3 में आपको देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों बात करें स्टार कास्ट अपडेट के बारे में, तो दोस्तों फिलहाल में तो मेकर्स ने कोई भी ऑफिशियली सीजन 3 की स्टार कास्ट अपडेट नहीं दी है। हालांकि सीजन 2 से ही स्टार कास्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा सीजन 3 में भी। वही सीजन 3 में भी आपको मेन लीड में शेरलिन चोपड़ा ही नजर आने वाली है। तो दोस्तों आपको सीजन 3 में भी पावर, पैशन और पॉलिटिक्स का तगड़ा मेल जोल आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि सीजन 2 की स्टोरी उतनी दमदार नहीं थी जितनी की सीजन 1 में दिखाई गई थी, लेकिन अब मेकर्स सीजन 3 की दमदार स्टोरी लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें सीजन 3 की रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों फिलहाल में मेकर्स ने ऑफिशियली इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन लगभग प्री प्रोडक्शन वाला सारा काम हो चुका है और जल्द ही मेकर्स इसके सीजन 3 की भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो दोस्तों आपको इसकी अगली इंस्टॉलमेंट यानी कि सीजन 3 2024 के मिड में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही थी इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स। बाकी आप लोगों ने पोरसपुर का सीजन 1 और सीजन 2 देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा है और क्या वाकई में पोरसपुर का सीजन 3 भी आना चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। वही दोस्तों अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस और अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।